हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल बीतिक शर्मा। बीएसएनएल यूजर्स एयरटेल को स्विच करके बहुत सारा कस्टमर बन चुका है, उनमें से मैं भी हूँ। क्या आप बीएसएनएल सिम को सिर्फ इनकमिंग कॉल के लिए, मोबाइल सिम को चालू रखने के लिए यूज़ करते हो? अगर है भाई, सच बताना, मैं भी वैसे ही करता हूँ। बीएसएनएल इनकमिंग प्लान का सिर्फ बहुत ही अच्छा प्लान है, वो है कि 22 रुपीज़ में आपको 90 डेज़ का आपको इनकमिंग आपके बीएसएनएल में नया तो हमें प्रोवाइड करता है। तो इस वीडियो में आप सभी को दिखाऊंगा कि बीएसएनएल का इंटरनेट को स्पीड को बढ़ाने के लिए बहुत सारा जुगाड़ोपन लोग लगाता है। तो इनमें से मेरा जो जुगाड़ोपन है ना, उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी है, और उस एग्जाम्पल में आपको एक बार भी आपको सावधानी रखना भी पड़ेगा। लेकिन सावधानी वाला बात मैं बता रहा हूँ कि एक बार सुनिएगा। आपके मोबाइल में इंटरनेट को स्पीड बढ़ाने के लिए जो भी VPN आप यूज़ करते हो ना, कृपया करके गूगल प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर का जो ये एप्लीकेशन होता है ना, सिक्योरिटी प्रोडक्ट होता है, बहुत सारा सिक्योर होता है आपके मोबाइल में। यह बहुत ही सिक्योर हो के लिए बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि नेटवर्क प्रोवाइडर अगर का एप्लीकेशन VPN एप्लीकेशन अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से आप यूज़ करते हो ना, आपके मोबाइल का डाटाबेस, आपके मोबाइल का बहुत सारा ऐसा इंफॉर्मेशन हैकर तक पहुंच सकता है, अगर कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का आप VPN यूज़ करते हो। ये इस VPN के वजह से कुछ भी हो सकता है भाई। तो इसीलिए VPN सिर्फ प्ले स्टोर से ही आप इंस्टॉल कीजिएगा, ये मेरे आप BSNL यूजर से रिक्वेस्ट है। और वीडियो को थोड़ा डिटेल से देखते हैं। वन पे है BSNL, सिम टू पे है वोडाफोन। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक वीडियो, यूट्यूब वीडियो प्ले करके। तो ये रहा यूट्यूब। तो अभी इसमें अगर मैं इसको BSNL सिम में 480p अगर मैं देखना चाहता हूँ कि ये 480p में कैसे ये प्ले करता है, तो 480p में यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ पे जो ये आप देख सकते हो कि 520, 458, 194, 398, 390, 512, 291 ऐसे करके यहाँ पे शो हो रहा है। मतलब बहुत अच्छे से ये काम कर रहा है। तो अगर आपको, अगर आपका BSNL मोबाइल, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि ये अभी मेरा मोबाइल का नेटवर्क अभी मैं एच प्लस में है, मैं ये 3G कंटेंट चला रहा हूँ। अगर मैं इसको मैं स्विच कर देता हूँ फुल में, तो यहाँ पे 1080p पे देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे कितना ये MS करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो 156, 169, 100KB, 99 यहाँ पे आ रहा है, और वीडियो मतलब 1080p यहाँ पे मतलब चलता नहीं था। तो अभी इसके लिए हम जो फिक्स करना होगा, सबसे पहले अब आपका मोबाइल में एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो होगा कि इस एप्लीकेशन का नाम है थंडर VPN। तो यहाँ पे देख सकते हो थंडर VPN को आप लोग को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल करने के बाद ऐसे इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कनेक्ट, तो अब ये पहले ऑटोमेटिक यहाँ पे देख सकते हो कि सिंगापुर पे कनेक्ट हो रहा है, लेकिन सिंगापुर का अभी जो सर्वर देखते हो कि यहाँ पे रेड में हो रहा है, तो इसीलिए मेरे इस यहाँ पे सर्वर को अभी चेंज करना होगा। तो सर्वर को चेंज करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि ऑटो सिलेक्ट पे भी ग्रीन है, सिंगापुर है, फ्रांस है, नेदरलैंड है। तो अगर मैं सिंगापुर को बस फिर से यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये एक ऐड चलेगा। ऐड चलने के बाद देखते हैं कि इसका और एक सेटिंग्स भी आप लोग करना होगा जो मैं आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो सिंगापुर कनेक्ट हुआ, लेकिन फिर भी ये येलो में है, अभी भी ग्रीन नहीं हो रहा है। तो आपके आपके लोकेशन में जो इस पर ग्रीन होगा ना, वो मैं आपको करने का, फ्रेंच है, ऑटो सिलेक्ट, एक मैं ऑटो सिलेक्ट में कर रहा हूँ। ऑटो सिलेक्ट दिखते, ऑटो सिलेक्ट फिर से सिंगापुर आ गया। उसके बाद सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि ऑटो कनेक्ट हुए ऐप स्टार्टेड, सेव द लव से सब करना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट में ही रखना। अभी देख सकते हो कि सिंगापुर में अभी ग्रीन हो गया है। तो उस अभी देखते हैं कि नेट स्पीड कितना बढ़ेगा। तो अभी आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे 1080p अभी वीडियो रन कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि वीडियो क्वालिटी है 1080p, और यहाँ ये जो वीडियो है यहाँ पे देख सकते हो कि 1080p ये रन हो रहा है।
तो ऐसे करके आप 1080 में भी आप वीडियो को ऐसे चला पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्वालिटी का कोई भी इशू नहीं है। और जैसे कि यहाँ पे नेट पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये स्पीड है ना, नेटवर्क स्पीड पहले से बहुत भी बढ़ चुका है। तो ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हो BSNL।